सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले दैट्स ऑफ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है जी, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दें। It is an approach to software design. Where the design is decomposed into a set of interacting unit, where each unit has clearly defined function. ठीक है, इट इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिजाइन वेयर द डिजाइन इज डीकम्पोज इनटू सेट ऑफ इंटरैक्टिंग यूनिट वेयर ईच यूनिट हैज क्लियरली डिफाइंड फंक्शन ठीक है। अब इसमें दो अप्रोचेस आते हैं जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। पहली है टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड है बॉटम अप अप्रोच। पहले मैं थोड़ा बता देता हूं फंक्शन ओरिएंटेड क्या है। कह रहे मेरे पास एक फंक्शन है, इट इज एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिजाइन वेयर द डिजाइन इज डीकम्पोज्ड इनटू सेट ऑफ इंटरैक्टिंग यूनिट। इस फंक्शन में अलग अलग यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, ओके, जहां हर यूनिट आपस में क्लियरली डिफाइंड है, क्या है वो दे रखा है। उस तरह की अप्रोचेस को हम कहते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। टॉप से बॉटम जा रहा है, ये टॉप से बॉटम जा रहा है, इस तरह की अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मैं इनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा और, एंड इसी का उल्टा बॉटम अप, इस तरह की अप्रोच। बताता हूं क्या चीज है दोनों, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे को कुछ प्रिंट करना, कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है मेरे पास, कोई भी जिसका कोई टाइप होगा, ठीक है, मेरे को ये एक्सप्रेशन प्रिंट करना है एंड मैंने स्विच केस लगा दिया, ओके। इस स्विच केस में केस अलग अलग होंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री एंड सो ऑन, है ना। इन केस पे डिपेंड करेगा मेरा कि मेरा फंक्शन क्या काम करेगा। इन स्मॉल केसेस पे मेरा फंक्शन काम कर रहा है, इस तरह की अप्रोचेस को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इन स्मॉल फंक्शन पे मेरा मेन फंक्शन काम कर रहा है, दिस टाइप्स ऑफ अप्रोच इज नोन एज टॉप डाउन। एंड इसी का उल्टा हो जाता अगर, देन इट्स अ बॉटम अप अप्रोच। उस तरह की अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है जी। आई होप सबको बात समझ आ रही होगी। इनके बारे में अगर थोड़ा सा लिखना है टॉप डाउन एंड बॉटम अप के बारे में, तो हम लिख सकते हैं। चलो टॉप डाउन के बारे में थोड़ा सा लिख लो कि We continue the refinement of each module until we reach the statement level of our programming language. इस तरह की approaches को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। थोड़ा थोड़ा पॉज करके मेरी बातों को नोट डाउन कर लेना कि मैं टॉप डाउन अप्रोच की डेफिनेशन क्या दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है।
तो इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसी में बात कर लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगली में। चलो फिर अगली में ही हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। वैसे तो सबको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ सबको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको कहते हैं, कैसे चलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली रियल लाइफ से हमारा काम करता है, वो रियल लाइफ को देख के काम करना शुरू करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन है दैट इज उसका जो फोकस होता है वो रियल लाइफ पे होता है। तो इसके बारे में चलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसी में पढ़ा देते हैं, अब जब फंक्शन ओरिएंटेड पढ़ा दिया है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसी प्रेजेंटेशन में कर देते हैं कंप्लीट। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बेसिकली सबसे पहला पॉइंट, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आज तक पढ़ा है, हमने ये चीज तो पढ़ी है कि ये रियल लाइफ से काम करना शुरू करता है, रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। ठीक है, करते क्या है हम इसमें, पहली बात कि ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक लैंग्वेज के लिए नहीं बना, ये पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बना ही नहीं, ये सभी लैंग्वेज के लिए बना है। ठीक है, होता क्या है इसमें उसकी बात करनी शुरू करें, हर चीज को हम एक ऑब्जेक्ट के वे में काम करना शुरू करें। कोई भी चीज है उसको हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका कुछ स्टेट होता है, कुछ बिहेवियर होता है, उसको देख के हम अपना काम शुरू करते हैं। सो प्रॉब्लम आर मॉडल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू है हमारे, प्रॉब्लम्स आर मॉडल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्ट लेके काम करना शुरू करते हैं। इस ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती है, इस ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती है, वो क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट होगा एंड कुछ बिहेवियर होंगे, कुछ स्टेट होगी एंड कुछ इसका बिहेवियर होगा। ठीक है जी, स्टेट क्या है, विच चेंजेस व्हेन दे डू चेंज, अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाए, उस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ठीक है, एंड बिहेवियर क्या है, दे डू थिंग्स, वो क्या क्या काम करता है उसको। ठीक है, बिहेवियर क्या है, दे डू थिंग्स, एंड स्टेट क्या है, विच चेंजेस व्हेन दे डू चेंज, विच चेंजेस When they do changes, ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल हम कार लेते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कार, देन कार हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कार हमारी होगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस कार का एक इंजन होगा, इंजन, ये इंजन जो है हमारा, वेदर इट इज रनिंग या नहीं रन कर रहा, वो हमारी होगी स्टेट, कि ये इंजन अगर रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा, नॉट रन, ये हमारी क्या होगी, ये दोनों जो होगी हमारी दैट इज स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट। ठीक है, अब स्टार्टिंग दी कार, हम कार स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं दैट इज बिहेवियर, स्टार्टिंग दी कार इज बिहेवियर, स्टार्टिंग दी कार ये क्या हमारा बिहेवियर है। ठीक है, विच चेंजेस इट्स स्टेट, वो काम जिससे हमारी स्टेट चेंज हो दैट इज बिहेवियर, हम कार स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इंजन चलेगा, स्टेट चेंज होगी, नॉट रन से रन में हो जाएगा। ठीक
ठीक है, आई होप सबको बात समझ आ रही होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इतनी फेमस चीजें हमने आज तक पढ़ी नहीं है ना, आज तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से फेमस चीजें कभी पढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी मेरे ख्याल से, ना हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है, ना हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, पढ़ा ये सब मेरे को तो नहीं लगता। चलो शायद से हमने एब्स्ट्रैक्शन कभी पढ़ा हो, C++, जावा इन सब में, शायद से हमने क्लास पढ़ी हो कभी, शायद से पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ा होगा। क्या ये सब पढ़ा है? ये सब पार्ट्स जितने भी हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, इनहेरिटेंस जितने भी है, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता इन सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हम शुरुआत से आज तक यही सब पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इन सब को एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता जरूरी है। इनकैप्सुलेशन भी इसका एक पार्ट है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये आती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज फेलियर एंड फॉल्ट्स, वो हम किसकी बात करेंगे? फेलियर एंड फॉल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।